का चिराग क्यों होता है? चिराग होता है इसलिए कि लड़के से सल्तनत चलती है आगे के लिए, घर का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करता है। अच्छा, आगे उसके भविष्य है ना, जो लड़का जिसका नहीं होता उसका खराब भविष्य खराब हो जाता है गार्जियन की, इसीलिए लड़का होना बहुत जरूरी है, जैसे हम है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कहने की बात है, पुराने जमाने की सोच है लोगों की। आजकल जो है मेरी खुद की एक लड़की है, वो लड़कों से कहीं अच्छी है, बढ़ के है। हाँ, कद बढ़ जाता है जब परिवार में होता है लड़का। तो वर्षों की रिसर्च के बाद ये डिस्कवर किया गया कि इंसान के अविकसित शरीर को विकसित किया जा सकता है। हाँ, पहले के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि लड़का चाहिए भाई। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बेटा आगे वंश चलाता है, जरूरी है क्या? मर्द होता है, औरत औरत ही होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये लड़के के चक्कर में हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने, इन्होंने ये कहा अपनी मम्मी से कि मैं लड़का करके ही दिखाऊंगा, तो वो लगे ही रहे। अब सब समझ आ रहे। आपके कितने बच्चे हैं? अरे मेरे मत पूछिए। कितने हैं? ये तो एक दर्जन पूरा हुआ है। ये गृहस्थ जीवन का गुरुत्वाकर्षण दलदल में खींच कर रहेगा मुझे साखा बाबू। हमारे समाज में अक्सर दादा दादी की ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द एक पोते का चेहरा देख लें। बेटा होने की ख्वाहिश ना हमारे समाज की एक नेशनल ख्वाहिश आप कह सकते हैं। इसी टॉपिक पर रणवीर सिंह की एक फिल्म भी आने वाली है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तालियां बजाना भी शुरू कर दिया है। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम लोगों से पता लगाएंगे कि क्या खानदान का जो दीपक है वो सिर्फ एक लड़का ही होता है या लड़कियां भी हो सकती हैं। आइए पता लगाते हैं। लड़के को कहा जाता है कि खानदान का चिराग है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कहने वाले गलत फहमी है ना, लड़की भी चिराग ही होती है खानदान की। अच्छा। और क्या, हमारी चोरियां चोरों से कम है? चिराग होता ही है। क्यों? लड़का लेके आता माल पानी, लड़की लेके जाएगी। हाँ, कैसा माल लेके जाएगी? शुरू से चलती आ रही, लड़का बंसल चला रहे, लड़की दूसरे घर जाती, शुरू से जो प्रथा चली आ रही है वो चल रही है जी। हाँ, इसलिए लड़के को चिराग कहते हैं। चलता है उससे वंश चलता है, वंश चलता है आगे के लिए। लड़की के मुकाबले लड़के को वैसे भी ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए घर का चिराग बताते हैं। लड़का है तभी घर संभालता है, और लेडीज़ क्या कर, कुछ नहीं, लेडीज़ क्या कर, कुछ नहीं कर सकता लेडीज़। भोकाल हमारा कि अगर आप लड़की लेते हो तो जाहिर सी बात है वो भी बड़ी हो जाएगी, तो एक दिन वो भी अपने घर जाएगी। आखिर में लास्ट में एक होता ना, हर किसी की इच्छा होती है कि मैं मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पे हाथ लगाए, या कोई हिंदू धर्म का है उसको अग्नि आग जो दे वो उसका बेटा दे, बस यही है। आजकल क्या है, अगर नहीं होती तो बहुत से बंदे उसके लिए गलत वो निकाल देते हैं कि तेरे पाप ऐसे हैं कि शायद इस लायक नहीं है कि तेरे घर में कोई राह नहीं है, या कोई लड़का इसलिए बारिश नहीं है। मन में तो लड़का चिराग कहता है, लेकिन लड़की जितना सेवा करता है उतना लड़का करेगा? कोई नहीं करता। लड़का होने से खुशी मनाते हैं ज्यादातर, लड़का हुआ है लड्डू खिलाओ जे करो, लड़की होती तो खुशी नहीं मनाते, नहीं मनाते ना, तो फिर बस यही है। आजकल के जमाने में तो लड़कों से लड़कियां बहुत अच्छी हैं और लड़कों से बहुत आगे निकल रही हैं, तो हमारे लिए तो भाई लड़कियां भी घर के चिराग है। खानदान का नाम लड़कियां नहीं आगे बढ़ा सकती? नहीं, जो लड़का बढ़ा सकते हैं लड़की तो नहीं बढ़ा सकती। ये कहते हो तो ये कहते हैं कि लड़की तो दूसरे का परिवार चलाती है, दूसरे का परिवार बढ़ाती है, लड़का अपना परिवार बढ़ाता है। बेटा होना जरूरी होता है, आगे का रास्ता होता है आगे में। आगे तो कैसा रास्ता? रास्ता वंश में होना चाहिए ना एक लड़का को, इसलिए आगे के सहारा बढ़ता है बूढ़ी माँ बाप के लिए। वंश बढ़ाने की है तो ये तो बात सही है, लड़की तो दूसरे जाएगी तो उसका तो वहाँ से नाम होगा ना, और लड़का का जो नाम होगा तो वो तो उसके खानदान ही बढ़ेगा। वो तो बात सही है, ये भी सोच सही है। वंश नहीं बढ़ेगा, वंश आपके लिए चाहिए, वंश के लिए जरूरी है, बगैर इसके लिए वंश नहीं बढ़ेगा। बात ये मेन बात है, लड़की से वंश नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता, लड़की तो अपने अपने घर जाएगी जाएगी, लड़की अपने घर चली जाएगी, वंश के लिए बहुत जरूरी है। वो किसी और की औलाद थोड़ी होती है, बेटी भी हमारी औलाद है, बेटा भी हमारी औलाद है। तो हमारी ससुराल चली जाती है, वो अपने ससुराल वाले देखेगी, घर वाली अपनी मम्मी परिवार मम्मी को नहीं देखते, जब तक बहन कुमारी है तब तक मम्मी की है। और जैसे मैं बहन की शादी हुई तो उसके हो जाएंगे फिर, इसीलिए घर वाले लड़का होना बहुत जरूरी मानते हैं। कि लड़कियां तो शादी करके दूसरे के घर चली जाती हैं, फिर अपने घर में नहीं करते हैं। कितना ध्यान रखती है माँ बाप का शादी होने के बाद भी? रखती है ना, पूरा ध्यान रखती है ना। मजा आया, लड़की होती तो के इसकी लड़की लड़की होती है तो ताने मारते हैं,
पहले के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि लड़का चाहिए भाई, लड़के के लिए तो मेहना भी इंसान लोग ने मारता है, आदमी भी मरता है, सास भी मरती है, सब परिवार मरता है, लेकिन भगवान जब देंगे जभी तो होगा, नहीं देंगे तो क्या करेंगे, उसी पर सब्र करेंगे लड़की पे। होगा तो बहू आएगी साथ में रहेगी, अगर लड़कियाँ होंगी चली जाएंगी, हम अकेले रह जाएंगे बाद में, उनका मतलब लास्ट में क्रियाकर्म भी होता है, लड़की होंगी तो कौन करेगा, ऐसा थोड़ा सा लोगों की थिंकिंग है। लड़का हो जाएगा तो बाद में इतनी फिर लड़की नहीं होंगी। हाँ, अगर पहला लड़का हो जाएगा जिसपे भी है वो सब लड़के के चक्कर में लड़कियों की लाइन लगाते हैं। आज के ज़माने में लड़कियाँ सारे क्या कर रही हैं, पायलट बन रही हैं, पता नहीं क्या क्या बन रही हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, आजकल तो लड़कियाँ लड़कों से ऊपर चली गई। एवन ना कई लोग तो कह रहे हैं कि खानदान का नाम जो है वो लड़कियाँ नहीं आगे बढ़ा सकती, खानदान का नाम आजकल लड़के ज़्यादा बढ़ा रहे। इस वीडियो को शूट करने के दौरान एक जवाब जो सबसे कॉमन था वो ये था कि जो लड़के होते हैं वो खानदान के वारिस होते हैं, इसीलिए एक बेटा होना तो बेहद ही जरूरी है। अब जब बात वारिस की आ रही है तो आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार ना बेटियों को भी संपत्ति में बेटों के बराबर ही अधिकार मिलता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अंतिम संस्कार सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं याद दिलवा दूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुखाग्नि उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता भट्टाचार्य ने दी थी। जब किसी घर में एक के बाद लगातार दूसरी लड़की हो जाती है तो पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार तक दिलासा देने आ जाते हैं, उसे लक्ष्मी तो भले ही कहेंगे लेकिन खुश नहीं होते। वारिस सिर्फ बेटा नहीं होता, बुढ़ापे की लाठी सिर्फ बेटा नहीं होता, अपने पैरों पर खड़ी बेटी भी अपने परिवार वालों को सपोर्ट करती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप बेटियों को भी मौका दें, उन पर विश्वास करें।